गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीनियर केजी में हिंदी पढ़ेंगे। आज हम रिवीजन करेंगे, उसमें सबसे पहले हम स्वर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्वर है अ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, अ से क्या होता है, अ से अनार होता है। अनार आपने देखा है ना, सबने अनार कैसा दिखता है, आपने खाया भी होगा ना बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम अ कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे बोर्ड पे देखें, सबका ध्यान यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सबसे पहली लाइन पे मैं अ लिखती हूँ। अ, अ से क्या होता है, आप सब मेरे पास साथ साथ फिर से रिपीट करेंगे, अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। यहाँ पे इसी तरह ये जहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में लिख के दिया है, वहां पे हम सेकेंड लाइन में ऐसे लिखेंगे, थर्ड लाइन में ऐसे लिखेंगे और फोर्थ लाइन में भी ऐसे ही लिखेंगे। और से अनार लिखते वक्त आप सबको उसे दोहराना है, फिर से बोलना है, रिपीट करना है, बोल बोल के उसे लिखना है। और से अनार, और से अनार, और से अनार। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में भी हम ऐसे लिखेंगे, अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। और यहाँ पे लास्ट में भी अ से अनार। आप बोल के लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके माइंड में दिमाग में ये भी क्लियर हो जाएगा, अ से कौन सा वाला शब्द आता है, अ से अनार आता है। तो आपने यहाँ पे देखा, फिर से हमारे बेटे के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, अ से क्या होता है, अ से अनार। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अ के नीचे रेखा खींचो। यहाँ पे कुछ मैंने शब्द लिखे हैं जहाँ पे जहाँ जहाँ अ स्वर दिया है उस शब्द में आपको अ स्वर को ढूंढना है और उसके नीचे रेखा खींचनी। रेखा मतलब अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहला अक्षर देखेंगे, सबसे पहला अक्षर लिखा है यहाँ पे अकबर। तो यहाँ सबसे पहले में अकबर में अ कहाँ पे है, तो अ यहाँ पे, तो यहाँ इसके नीचे रेखा मतलब अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट वाला वर्ड कौन सा है, अकबर। नेक्स्ट वाला वर्ड, नेक्स्ट लिखा है अ द ब। तो यहाँ पे सबसे पहला अक्षर कौन सा हुआ, अ। तो आपको अ के नीचे अंडरलाइन करनी है। पहला वाला हुआ अकबर, नेक्स्ट वाला वर्ड हुआ अदब। तो यहाँ पे अ स्वर दिख रहा है आप सबको, तो यहाँ पे अ के नीचे अंडरलाइन करो। नेक्स्ट में है तीसरा वाला, तीसरा वाला वर्ड है अमन। तो सबसे पहला स्वर कौन सा हुआ, अमन में अ। तो यहाँ पे अ दिया है, अ के नीचे अंडरलाइन करोगे। चौथा वाला वर्ड है अटल। तो यहाँ पे अ स्वर कहाँ पे दिया बच्चों, ये रहा। तो यहाँ पे लिखोगे, अंडरलाइन करोगे अ के नीचे। लास्ट वाला वर्ड है आपका अजब। तो यहाँ पे अ स्वर कहाँ पर है, यहाँ पे, तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। सबने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये शब्द जो लिखे हैं इस वर्ड में अ जहाँ पे है वहां पे आपको अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे अकबर में सबसे पहला वर्ड है, वो सबसे पहला अक्षर जो है वो अ स्वर है, तो वहां पे हमने अंडरलाइन की। नीचे अदब में पहला वाला जो स्वर है अ है, वो भी आपका अ ही है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट में अमन लिखा है, तो उसमें भी सबसे पहला जो स्वर है वो अ है, तो वहां पे अंडरलाइन की। फिर अटल है, तो अटल में भी सबसे पहला स्वर अ है, तो वहां पे भी अंडरलाइन की। और लास्ट वर्ड है अजब, तो अजब में आपको अ के नीचे अंडरलाइन करनी है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको सबको समझ में आ गई ना बच्चों। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला स्वर जो होता है अ, तो अ से होता है अनार। आपको वैसे ही ये जो मैंने लिख के दिया है आप सबको नोट में इसको लिखना है मम्मी के साथ बैठ के। मम्मी आपको पहले ऐसे लिख के देगी, आप सबको नीचे वन बाय वन स्वर लिखना है। और यहाँ पे भी एक्सरसाइज आपको मम्मी लिख के देगी, तो आपको उसको एक्सरसाइज को उसके साथ लिख के रिपीट करना है और पढ़ना भी है। थैंक यू।